एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की सनक से भरा अमेरिका, दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा दुश्मन और बड़ा तेल सप्लायर ईरान, और इसके बीच तेल का वो खेल जिसमें हमारे जैसे देशों का तेल निकलने की नौबत आ गई। बहुत बड़ी मुसीबत होगी अगर इस खेल में कच्चा तेल $100 तक पहुंच जाए, क्योंकि कच्चा तेल एक बार फिर $82 प्रति बैरल के करीब पहुंच रहा है। 10 दिन में डीजल के दाम फिर वही पहुंच गए जहां पहले थे। डीजल के दाम ₹2.5 घटे थे, धीरे धीरे ₹2.5 फिर बढ़ गए। 10 दिन में पेट्रोल के दाम भी ₹1.22 बढ़ चुके हैं। यानी अगले कुछ दिनों में पेट्रोल के रेट भी उसी लेवल पर पहुंच जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए जहां से सरकार ने दाम में कटौती की थी, तो ये बहुत हैरान करने वाली बात नहीं होगी। ये भी नहीं होगा कि सरकार फिर से दाम कुछ घटा दे, क्योंकि जो घटाना था वो चुनाव से पहले कर दिया। मुसीबत इससे बड़ी ये है कि आगे होगा क्या। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और विदेश के एक्सपर्ट्स के साथ एक बड़ी मीटिंग की है। इसमें सऊदी अरब, यूएई जैसे तेल उत्पादक देशों के मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के बड़े अधिकारी भी मीटिंग में थे। वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और नीति आयोग के अधिकारी भी मीटिंग में शामिल थे। ये मीटिंग उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आई लेटेस्ट मुसीबत का ही नतीजा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने दुश्मन नंबर वन ईरान पर 4 नवंबर से प्रतिबंधों की तलवारें चला रहे हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि तलवारें चलाते ट्रंप के वार से भारत जैसे देश भी जख्मी होंगे, जिनका काम ईरान के तेल के बिना फिलहाल चलना मुश्किल है। ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि 4 नवंबर से ईरान से कोई भी तेल नहीं खरीदेगा। ईरान के तेल का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल खरीददार भारत है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि वो धमकियों के बावजूद ईरान से तेल खरीदेगा। We have our own requirement. We have to fulfill our own domestic requirement. At this stage only, I can say this much. And some of our company has already nominated their quota for November. Sir, तो क्या प्रतिबंध को माना नहीं जाएगा इस तरह से? देखो, कई प्रकार की चर्चा हो रही है। कई प्रकार की चर्चा हो रही है। विश्व की लीडरशिप भारत की उस आवश्यकताओं को समझेगी, यह हमारी अपेक्षा है। लेकिन बात ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान से तेल खरीदने भर की नहीं, बात इससे आगे कच्चे तेल के दामों की है, जिसमें आग उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ऐसी लग जाएगी जिसमें कच्चे तेल के दाम $100 से भी पार पहुंच जाने का डर है। क्योंकि ईरान से तेल लेना कम होगा तो इस कमी को सऊदी अरब जैसे देश भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में तेल के दाम लगातार आने वाले दिनों में बढ़ने की पूरी आशंका है। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसी टेंशन में ट्रंप अपने दोस्त यानी सऊदी अरब को भी धमकाने में लग गए। And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. अब सऊदी अरब पलटवार करके कह रहा है कि धमकियां उल्टी पड़ जाएंगी और ऐसा चलेगा तो कच्चे तेल के दाम $100 नहीं $200 और इससे भी दोगुना हो जाएंगे। अब ऐसी ऑयल पॉलिटिक्स में अगर दाम दनादन बढ़े तो बेहाल तो भारत जैसे देश होंगे। नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देसी पॉलिटिक्स से भी है। ऐसे में तेल की कीमतें देसी पॉलिटिक्स को पीएम मोदी के खिलाफ जरूर धार देंगी। ऊपर से तेल पर विदेशी पॉलिटिक्स की मुसीबत, जिससे निकलना बहुत बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब चुनाव इतने करीब हो। आज तक ब्यूरो।